625 आप डेसिमल में जहां तक ज्यादा आप लोग कर सकते हो 3.625। ये आया आप लोगों को समझ में? हाँ सर। यस सर। अर्नब, अर्नब को आया? अर्नब यस, वेल डन। चलो अब इसका हमें सेकेंड पॉइंट निकालना है, मीडियन। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, मीडियन मीडियन मीडियन। भाई मीडियन आ गया, मीडियन कैसे निकालेंगे कौन बताएगा? चलो फटाफट बताओ, मीडियन 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 कौन बताएगा? राधि बताएगी। राधि मीडियन कैसे करेंगे? नहीं यार, आज मैं, आज तुम चुप चुप क्यों बैठी हो राधि? कुछ बोल ही नहीं रही हो। अरे हम लोग क्या चाइनीज हो गए? मैं इंडियन, तुम चाइनीज हो गई? कुछ आवाज ही नहीं आ रही। चलो ठीक है, मैं इसको निकाल के बता रहा हूं, बाकी लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया वो मेरे साथ करेगा। सबसे फर्स्ट हमने लिखा टू असेंडिंग ऑर्डर में, फिर टू, फिर नेक्स्ट नंबर है थ्री, थ्री थ्री फोर, फिर नंबर है फाइव, फिर नंबर है सेवन। ये सारे एक नंबर हमारे आगे, काउंटिंग करते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इवन नंबर है। अब इवन नंबर में हम क्या करेंगे? लास्ट से कैंसिल, फिर टू और फाइव कैंसिल, थ्री फोर कैंसिल, थ्री थ्री मिडिल में आ गया, तो थ्री और थ्री को प्लस करके डिवाइडेड बाय टू, सिक्स बाय टू, मीडियन आपका थ्री आ गया। ठीक है, अच्छा कोई इसका फॉर्मूला बता सकते हैं? अगर मेरे को काटना ना हो तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं मिडिल नंबर? कौन बताएगा फॉर्मूला? मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूले भी बताए थे, इवन नंबर के लिए एक फॉर्मूला होता है। प्रियदर्शनी बताओ, प्रियदर्शनी कहां चली गई? अरे प्रियदर्शनी को नींद आ गई, सॉरी भाई। लक्षण बताओ, देव, चलो तुम देव बताओ, देव 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 जल्दी जल्दी। अरे भाई देव भी भूल गया, देव सेवंथ में आते आते गायब। चलो देव बताओ। अरे देव क्या हुआ, हंस रहे आज बहुत। देखो फॉर्मूला है इसका, एन बाय टू, एन बाय टू प्लस वन, एन का नंबर नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ एट लिखेंगे, एट को टू से डिवाइड करेंगे फोर आएगा, और एट फोर के बाद नेक्स्ट नंबर फाइव। तो देखो फोर नंबर कौन सा है, वन टू थ्री फोर, और फाइव नंबर ये रहा, तो थ्री थ्री आपके मिडल में नंबर आ गए। ये नंबर फोर है, ये नंबर फाइव, इनको प्लस किया फिर डिवाइड बाय टू किया तो मीडियन आपका थ्री आ गया। ठीक है, चलो देव अब तुम बताओ मोड कैसे, मोड का बताओ, मोड कितना है? जल्दी 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 फटाफट। नहीं पता। ए राम, मोड सबसे ज्यादा रिपीट होता है। देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा? थ्री। सबसे ज्यादा थ्री। थ्री रिपीट हो रहा है, देखो थ्री थ्री टाइम्स आ रहा है, टू टू टाइम्स आ रहा है, फोर वन टाइम्स, फाइव वन टाइम, सेवन, तो मोड आपका हो गया थ्री। थ्री सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो अभी हमने यहाँ लिखा, इसको रफ किया और सारे नंबर लिखे, मोड आपका हो गया थ्री, मीडियन हो गया, मीडियन हमने थ्री निकाला, और मीन हमने निकाला, मीन इक्वल टू कितना था मीन हमारा? 3.625। ये हमारा ठीक है, आ गया सभी को? हाँ। चलो अगर मैं एक रिलेशनशिप बनाना, मीन मीडियन मोड में एक फॉर्मूला है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वो फॉर्मूला आप याद रखना जिससे आप डायरेक्टली फाइंड कर लोगे। वो फॉर्मूला है आपका मोड की जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल होती है, थ्री टाइम्स थ्री से मीडियन को मल्टीप्लाई करो, और उसमें से टू टाइम्स मीन माइनस कर दो, तो अपने आप ही आपको मोड निकल आएगा।
थ्री टाइम मीडियन माइनस टू टाइम मीन करने से, ये जनरल फॉर्मूला है लेकिन इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। कभी ये फॉर्मूला राइट भी होता है रॉन्ग, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मोड इक्वल टू थ्री टाइम मीडियन माइनस टू टाइम मीन। क्लियर हो गया सभी को आया? चलो अब मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर से आपको दूंगा, आप लोग जब देखना कैसे फाइंड करना है। चलो मैंने अर्नब को मोड बना दिया। अर्नब 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 है मोड, ठीक है। अर्नब के वैल्यू है 10, अर्नब की वैल्यू कितनी है 10, क्लियर। और मैंने वेदांत को मीडियन बना दिया, मीडियन की वैल्यू है 8, ठीक है। और ध्रुव को मैंने मीन बना दिया। अब बताओ ध्रुव के पास ध्रुव की वैल्यू कितनी हुई? अर्नब अर्नब को मैंने मोड बनाया, अर्नब की वैल्यू है 10। वेदांत को मैंने बनाया मीडियन, उसके वैल्यू है 9। और ध्रुव ध्रुव की वैल्यू मेरे को पता ही नहीं है, तो ध्रुव की वैल्यू बताओ क्या होगी, ढूंढ के बताओ। सर 4। पक्का? चलो देखते हैं भाई ध्रुव की वैल्यू कितनी आई। यहाँ लिखा सर 4 आया। पक्का? देखते हैं ध्रुव की वैल्यू 4 आई, कितनी आई? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड में हमारे पास था, मोड किसके पास था भाई? मोड कौन रख रहा था? अर्नब। अर्नब तुम्हारी वैल्यू कितनी थी? 10। वेरी गुड, यहाँ लिखा 10 इक्वल टू 3। मीडियन कौन बना था भाई, जल्दी हाथ उठाओ। मीडियन कौन था? वेदांत। कितना वैल्यू था वेदांत का? 9। राइट। 2 9 का। ध्रुव कितना था हमें पता नहीं, ध्रुव को छोड़ दिया 10। 3 9 27, तो ध्रुव वेदांत के पास 27 नंबर आ गया 2। अब हमारे पास ध्रुव के पास कितना वो पता ही नहीं है हमें, तो हमने क्या किया 27 को इधर लेकर आ गए। 10 27 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर जब बदलता है तो ये 27 10 से माइनस हो जाता है, जैसे इंटीजर में हम करते थे। तो यहाँ राइट हैंड साइड में ध्रुव के पास माइनस 2 है, ध्रुव के पास माइनस 2 दिया हुआ है। अब 10 में से 27 माइनस करेंगे तो बताओ कौन बताएगा कितना आंसर आएगा? दक्ष। दक्ष बताओ कितना आएगा? दक्ष दक्ष कितना आएगा? वेरी गुड 17, लेकिन एक गलती हो गई, माइनस 17, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है, हम लोग इंटीजर पढ़ रहे हैं। हाँ राइट दक्ष, वेल डन। माइनस 17 वैल्यू हो गई 2 टाइम माइनस 2 है ध्रुव के पास। अब ध्रुव की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये माइनस 2 इंटू है, यहाँ जाकर आप डिवाइड कर दोगे, ये उल्टा होता है, जो इंटू होता है वो डिवाइड में बदल जाता है, प्लस होता है वो माइनस में बदल जाता है, माइनस होता है प्लस में, प्लस होता है माइनस में, इनटू होता है डिवाइड में, डिवाइड होता है इनटू में बदल जाता है। तो ये माइनस 17 माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ध्रुव के पास कितना वैल्यू है हमें मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो गया। 17 को 2 से हमने फ्रैक्शन का भी किया था, 17 को 2 से डिवाइड किया 8.5, 17 को 2 से डिवाइड कर लो यानी 17 का हाफ निकाल दो, 2 8 16, 1 आया, पॉइंट डाला 0, पॉइंट ये बिंदु डाल दी 0, 2 5 10, तो ये वैल्यू आ गए ध्रुव के पास 8.5 है। वेदांत गलती हो गई, कोई बात नहीं वेदांत, वेल डन, तुमने ट्राई किया, गुड। चलो तो ये है मीन मीडियन मोड। बार ग्राफ किसको आता है, रेज योर हैंड, बार ग्राफ सब मुझे आता है। अच्छा अभी बताओ मीन आपको समझ में आ गया, पहले बताओ मीडियन मोड आ गया समझ में? आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक निकालेंगे,
14.1, 14.2 उसमें दो एक्सरसाइज हैं जिसमें ये पूरा कंप्लीट होता है मीन मीडियन। चलो आज एक एमसीक्यू करते हैं, आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कौन किसको पता है। आप लोगों को मैंने एक 11 का शॉर्टकट मेथड बताया था, 11 से कैसे इंटू करते हैं, किस किस को पता है 11 से इंटू करने का शॉर्टकट मेथड, याद है राधी 11 का शॉर्टकट पक्का? चलो मैं नंबर दूंगा, मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को एक मिनट दूंगा, एक मिनट में पांच क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेशन करके दिखाना आप लोगों को, ठीक है सर? 11 मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, जिसको आप ट्राई करो ना, मैं देखूंगा। सर मुझे भी नहीं आता। कौन कौन करवा रहा है? मुझे 20 तक आता है। अरे वाह 20 तक, तो 11 इंटू 75, 11 इंटू 95, 11 इंटू 201, 11 इंटू 326, 11 इंटू 324। चलो ये मेरे को मल्टीप्लीकेशन एक मिनट के अंदर जल्दी जल्दी करके बताओ, कौन जो फर्स्ट आएगा आज का हीरो वो हो जाएगा, हीरो या हीरोइन, फटाफट देखें कौन कर पा रहा है। आज जो कौन आज का हीरो है, कौन थम्स अप लेने वाला है, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ आज कौन फटाफट करने वाला है। आनंद क्या कर रहा भाई, अगम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा मोबाइल नहीं है। टाइम ओवर। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतनी मेहनत की, थोड़ा और दे देते हैं, 2 मिनट और नहीं 10 सेकेंड और दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओवर। हो गया। क्या बात है, वेल डन अर्नब। चलो अब मैं आप लोगों के, मेरा भी हो गया। चलो इसका आंसर हो गया। मैं चेक करके बताऊंगा। अर्नब बताओ फर्स्ट का आंसर। 825। सही है सर। अभी देख लेते हैं, मैं चेक करके फिर आपको बताऊंगा। सेकंड का आंसर 1045। नहीं अर्नब, अर्नब जिसका राइट है ना उसका तू लो, बाकी देखना राइट है रॉन्ग है। अर्नब बोलो। हाँ 1045। थर्ड का आंसर 2211। सही है सर। इसका आंसर अर्नब, इसका आंसर 3586। इसका आंसर 3565। अच्छा जिसको रूल्स नहीं पता मैं उसको शॉर्टकट रूल्स बता रहा हूँ और चेक भी होता जाएगा। आपके पास 11 से मल्टीप्लाई करना है 75 को, तो 11 को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप लिखो 75 को थोड़ा 75 लिख दो, बीच में जगह छोड़ दो। अब आप क्या करो 7 और 5 को ऐड करो, 7 प्लस 5 कितना हुआ, 7 प्लस 5 कितना हुआ 12 का जो 1 कह रही वो आगे ऐड हो जाएगा, ये 1 ये 12 हुआ, तो आप क्या करो 5 2 ये 1 7 में ऐड हो जाएगा, तो 825 फर्स्ट का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। सेकंड का देखो 95 लास्ट में लिखा, 9 को 5 को प्लस किया 14 आया, तो 14 में 1 हट जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 1045 बिल्कुल सही आंसर है सेकंड का। थर्ड का देखते हैं, थर्ड में है 2 और 1 को, जो लास्ट नंबर उनको छोड़ देना है।
अब आप क्या करोगे, पहले वन और जीरो को प्लस करो, वन प्लस जीरो वन, फिर जीरो प्लस टू को प्लस किया टू, तो टू टू वन वन बिल्कुल सही आंसर आया। थर्ड वाला 326 में थ्री और सिक्स को लास्ट में रखा, आप पहले अपने टू और सिक्स को ऐड किया एट, टू और थ्री को ऐड किया फाइव, थ्री फाइव एट सिक्स, बिल्कुल सही आंसर। 324 में थ्री और फोर को लास्ट में रखा, फोर प्लस टू सिक्स, टू प्लस थ्री फाइव, ये आपका आंसर 3 5 6 4। वेल डन, आज का हीरो अर्नब, वेल डन, गुड। अर्नब ने किया, फिर वेदांत ने भी किया, दोनों ही हैं, लेकिन अर्नब ने पहले किया, गुड। ऐसे आज का हीरो। लास्ट वाला आंसर रॉन्ग है, लास्ट का रॉन्ग है, 3 5 6 5 3 5 6 5, हाँ फोर आएगा लास्ट में अर्नब, अच्छा मैंने भी फोर है, अर्नब गलत हो गया, लास्ट में फोर आएगा। तो ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, तो आज आप लोग इतना प्रैक्टिस करो, आज का हम इतना रखेंगे, फर्स्ट टू फोर आपका 3.1 3.2 रखो, नेक्स्ट टाइम ग्राफ पेपर निकाल के रखना, ग्राफ पेपर में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का टेक्स्ट बुक से 3.1 3.2 आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों, आज का छोटा ही रखेंगे, ठीक है, थोड़ा इंजॉय करो।